नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सरोजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कन्या राशि के फरवरी 2022 के राशिफल के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट भगवान यानी अपने आराध्य भगवान का नाम अवश्य लिखें। आइए इसमें जानते हैं हम कि कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वे किस भाव के स्वामी हैं। बात करें यहाँ सूर्यदेव की, जो कि द्वादश भाव के स्वामी हैं, मकर राशि से निकलकर माह के मध्य में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। साथ के साथ मंगल और शुक्र भी माह के अंत में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि धनु राशि से निकलकर मकर राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राशि स्वामी की। राशि स्वामी अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। राशि स्वामी होने के साथ साथ बुध देव यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी भी हैं, जिनका भी गोचर पंचम भाव से हो रहा है। तो दशमेश का पंचम भाव में गोचर, जो कि द्वादश भाव के स्वामी यानी सूर्य के साथ में भी है, तो यहाँ पर सूर्य और बुध इनका योग एक अत्यंत ही शुभ योग है। बात करें यहाँ पर द्वादश भाव के स्वामी का इन्वॉल्वमेंट आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी के साथ में है, तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आने के पूरे पूरे संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन परिवर्तन अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव का संबंध भी आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शनिदेव, जो कि पंचमेश होकर पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि बुध सूर्य के साथ में है, तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन अवश्य आएगा। साथ के साथ यह परिवर्तन अच्छा रहने वाला है, आपके पद को बढ़ाने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर हम सप्तम भाव की, यानी आपके बिजनेस को लेकर, आपके पारिवारिक रिलेशन को लेकर। अगर हम बिजनेस को लेकर बात करें तो यहाँ पर सप्तमेश जो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, वह छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, तो चतुर्थेश और सप्तमेश इनका छठे भाव से गोचर, कहीं ना कहीं बिजनेस में आपको जो भी निवेश कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है वे द्वादश भाव पर भी बढ़ रही है। तो द्वादश भाव आपके खर्चे का भाव है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में निवेश कराने वाले हैं, और वह निवेश बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है धन भाव पर भी बढ़ रही है। तो धन का आवागमन चलता रहेगा, यानी आपको बिजनेस में लेकर मिश्रित फल प्राप्त होते रहेंगे। बात करें आपके धन भाव की, तो यहाँ पर धन भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो कि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव यहाँ पर आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्येश का चतुर्थ से संबंध और धन भाव का चतुर्थ से संबंध, क्योंकि यहाँ पर शुक्र के साथ मंगल की युति इस पूरे माह में हो रही है, और मंगल देव की बात करें तो तृतीय भाव और अष्टम भाव इन दोनों के स्वामी हैं। तो यहाँ भाग्य को लेकर आपको सपोर्ट रहेगा, आपके परिवार आपकी फैमिली से आपको यहाँ पर सपोर्ट अवश्य मिलता रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव भी कुटुंब का भाव है और चतुर्थ भाव आपके परिवार का भाव है। साथ के साथ भाग्य यानी अपने पिता के सहयोग से आप यहाँ पर अपने जमीन या प्रॉपर्टी में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर राहु केतु की, तो नवम भाव में राहु के गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। राहु यहाँ पर अपने उच्च अवस्था में है, वृष राशि में है, तो राहु का रिजल्ट यहाँ पर शुक्र के अंदर भी आने वाला है, क्योंकि राहुदेव वृष राशि में शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो राहु के परिणाम के फलस्वरूप यहाँ पर चतुर्थ भाव में परिवार में कुछ अनबन भी हो सकती है, क्योंकि तो राहु कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का कारक भी माना गया है, राहु माया का कारक माना गया है, इसलिए यहाँ परिवार में भी उलझन पैदा हो सकती है। बात करें यहाँ कॉम्पिटिशन्स की, तो यहाँ पर छठे भाव के स्वामी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और पंचमेश जो शनि है वे पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह गोचर कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस दिलाने वाला रहेगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी की जो शनिदेव बनते हैं वे पंचम में बैठकर आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। साथ के साथ हम बात करें यहाँ पर उनकी दशम दृष्टि आपके धन भाव पर भी पड़ रही है, तो शनिदेव का लाभ भाव के ऊपर दृष्टि डालना आपको लाभ मिलने के पूरे पूरे संकेत यहाँ पर अवश्य दिखाई दे रहे हैं। बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर यहाँ पर कोई ऐसा इशू दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ बुधदेव अपने अच्छी अवस्था में बैठे हैं, साथ के साथ शनिदेव का प्रभाव यानी पंचमेश और आपके राशि स्वामी एक साथ गोचर कर रहे हैं, तो हेल्थ को लेकर बहुत बड़ी समस्या यहाँ दिखाई नहीं देती। ओवरऑल बात करें, कार्य क्षेत्र अच्छा रहने वाला है, बिजनेस में धन का आवागमन बना रहेगा, धन की स्थिति अच्छी स्थिति है, परिवार का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो उसमें सफलता के योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं,
और आपके अगर हम बात करें यहाँ पर पारिवारिक स्थिति की, तो पारिवारिक स्थिति मिश्रित फलदायी रहने वाली है। धन्यवाद।